अब क्या करने आए यहाँ पे? क्या देखने आए कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या चाय पी रहा हूँ? सॉरी बोलना। क्या सॉरी? ये क्या अंग्रेजों ने लफ्ज बना दिया सॉरी? कुछ भी करो उसके बाद सॉरी, सबके सामने बेइज्जत कर दिया उसके बाद सॉरी। देखिए सारे अपने थे वहां पे, किसी गैर के सामने मैंने ये बात नहीं की, और आपकी इसलाह के लिए किया है, आपकी बेइज्जती के लिए नहीं ये की। और अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा मैं सबके सामने इस तरह की बात नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जा जा ना। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना है। अब क्या है? जो परी मैडम है और जो आप फिल्म स्टार बनने के जो भी चक्कर में, प्लीज ये छोड़ दें। फैमिली है समरा बाजी, उन पे फोकस करें। देख मेरी बात सुन, तेरी सॉरी सुन ली मैंने, बस अब इससे आगे कुछ ना बता मुझे। तुझे क्या है, मैं जो मर्जी करूं। और तुझे इतना समरा का ख्याल क्यों आ रहा है? नहीं मानता हूं मैं। कैसी बहन है भाई, दोनों भाइयों की लड़ाई करवा दी, तुझे बताया सब कुछ जाके, और अपने शौहर का ख्याल आया उसको? जरा सी इज्जत नहीं रखी उसने मेरी, क्यों ख्याल करूं उसका मैं? अच्छा भाई, कसम से उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा तो फिर किससे बताया तुझे? राशिद भाई आप खुद सोचो, इस जमाने में इस तरह की बात छूट सकती है? और छोड़ेंगे मुझे कहां से पता चला? बस आप ये आइंदा नहीं करेंगे, आप वादा करेंगे। और दूसरी बात ये कि आज आप समरा बाजी को खाने को लेके जाएंगे रात? नहीं भाई, मैं नहीं लेके जा सकता सोई खाने माने पे। खाने पे बस ठीक, फिर आज मैं भी यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा यहाँ से, सारा दिन इधर पड़ा रहूंगा, मेरी नई नौकरी लगी है, आपकी वजह से लेट हुआ, मुझे घर जाके तैयार होके वहां जाना है। अगर मैं लेट हुआ, अगर मैं नौकरी से निकाला गया तो आपकी वजह से निकालेगा। देख भाई शराफत से जा यहाँ से, मीटर घूम जाएगा। जा पहले वादा करें, वादा करें पहले। हाँ हाँ ले जाऊंगा, जा जा तू ये बा... मेरा बड़ा भाई जा। वादा? हाँ यार। हाँ इफ्रा, लेकिन तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, प्लीज आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। अच्छा किया या बुरा क्या मुझे बताएं, जवाद ने कुछ किया भी या नहीं? जवाद ने तो सचमुच भाई बन के दिखाया, पता है उसने मेरे वजूद पे जो मेहमान अपने भरोसे की चादर तान दी, सबके सामने मुझे मौत भर कर दिया, और यहाँ तक के तायाबू भी शर्मिंदा हो रहे थे, उन्होंने तो मुझसे माफी तक मांगी, और ये भी कहा कि वो अम्मी अबू से आके माफी भी मांगेंगे। देखा, फिर तो मैंने अच्छा किया ना कि मैंने बात की। हाँ तुमने ठीक किया, पर आइंदा ऐसा मत करना, अगर ताइमी को पता चल गया कि तुमने जवाद को फोन किया था तो तुम्हें आप ही, मतलब मेरी बहन के साथ बुरा हो और मैं इस तरह खामोश बैठी रहूं तो ये तो मुझसे नहीं होगा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक चीज मैंने नोट जरूर की। क्या? वो ये कि जवाद तो भाई तुम्हारी बहुत मानता है, मतलब ये कि ठीक है मेरा भाई है देवर भी, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखता है, पर इतना ख्याल सोचने वाली बात नहीं। हाँ तो मतलब कजिन है मेरा और मैं उसकी भाभी की बहन हूँ, और क्या। अच्छा वैसे जो मुझे नजर आ रहा है और जो जवाब चाह रहा है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही? कितना अच्छा होना इफ्रा अगर तुम भी इस घर आ जाओ। आप कौन सा खुश हो उस घर में जो मैं भी आ जाऊं? पर जवाद बहुत अच्छा, बहुत मुख्तलिफ लड़का है, अगर तुम जवाद की बीवी और मेरी देवरानी बन के इस घर आ जाओ तो इफ्रा मुझे एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। आप मजबूत हैं और बाहिम्मत भी, खुद पर भरोसा करें बाजी। अच्छा ठीक है, मेरे लिए ना सही, जवाद की खातिर जवाद से। तुम्हें बहुत खुश रखे, और अगर उसकी शादी तुमसे ना हुई तो मेरे मुन्ने से भाई का दिल टूट जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये सब,
और मैं ऐसी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। वैसे आप मुझसे ज्यादा जवाद की बहन नहीं बन गई है। सो तो है। पता था